हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको फेसबुक लाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ राइट साइड में आपको थ्री लाइन मिल जाएगा, तो इस थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये फेसबुक अकाउंट शो हो रहा है और राइट साइड में आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फेसबुक आईडी शो होगा और फेसबुक पेज आपने जो बनाया होगा वो फेसबुक पेज यहाँ पे शो हो जाएगा नीचे। तो जिस फेसबुक पेज को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर दे रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा फेसबुक पेज का होम स्क्रीन आ गया है। यहाँ आपको राइट साइड में थ्री लाइन दिख रहा है, तो इस थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलता है, सेटिंग एंड प्राइवेसी और सेटिंग। तो हमें सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है, तो हमें यहाँ पे ऊपर पेज सेटिंग लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। नीचे पे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस एंड कंट्रोल। तो इस एक्सेस एंड कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलता है, डीएक्टिवेट पेज और डिलीट पेज। तो अगर आप अपने फेसबुक पेज को कुछ समय के लिए आप टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट पेज पे क्लिक कर दीजिएगा। हमें अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट करना है तो डिलीट पेज पे मैं क्लिक कर दे रही हूँ। नीचे आपको मिल जाता है कंटिन्यू, तो इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रीजन पूछेगा कि किस रीजन से आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपका जो रीजन होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है, तो हमें नीचे मिल जाता है कंटिन्यू, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक पेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ डाउनलोड इन्फो पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमें नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे इंटर पासवर्ड, तो आपको फेसबुक का यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दी हूँ, अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ डिलीट अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा फेसबुक पेज डिलीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज जो है परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।